दानिया और बुशरा एक बार फिर आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। आमिर लियाकत की मौत का जिम्मेदार दोनों एक दूसरे को ठहराने लगी। आमिर लियाकत की साबका बीवी बुशरा इकबाल बेटी को लेकर अदालत गई तो दानिया भी कहां चुप बैठने वाली थी। कल बुशरा इकबाल ने दानिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया और दानिया को मुलजिम ठहराते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, यूट्यूबर्स को, मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने माना है, उनका अपना कन्फेशन मौजूद है कि वो उनकी पोस्ट की हुई है, उनकी बनाई हुई है। जिसके जवाब में आज दानिया जो इस वक्त इद्दत में बैठी हैं, उन्होंने हमेशा की तरह सोशल मीडिया का सहारा लिया और इंस्टाग्राम पर एक बार फिर स्टोरी लगाई। इंस्टाग्राम पर आमिर लियाकत की एक पुरानी पोस्ट को शेयर किया जिसमें लिखा था, ये बात दुरुस्त है कि मैंने दानिया को माफ कर दिया है, मैं अब वैसे ही मुल्क से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। FIA साइबर क्राइम विंग से इत्तलात मिल रही हैं कि PTI सोशल मीडिया विंग का एक टोला फवाद चौधरी की निगरानी में ये सब काम करवा रहा है और मेरी किरदार कुशी की मुहिम में इस टोले ने हराबेल दस्ते का किरदार अदा किया। क्योंकि दानिया ने जब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि कोई तीसरा शख्स वीडियो फराहम करता था तो यहीं से तहकीकात ने रुख मोड़ा और मजीद किरदार FIA के सामने आ चुके हैं। मैं सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि दानिया को माफ़ कर दें, इसे इस्तेमाल किया गया, वो अभी छोटी है, इसे दीन का इल्म है ना दुनिया के मामूलात से वाकिफ है, कहीं मेरे जाने के बाद इसे तंग ना किया जाए, इसलिए इसे माफ़ कर दीजिए।